निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से जीत पक्की है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक खरीदारी करने जा रही है और जो मोदी जी का काम और युवराज जी के हमारे जो काम है जनता की योजनाएं चल रही है और निश्चित रूप से जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। आज राहुल गांधी दुनिया में गालियां खाते फिर रहे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इस बात के लिए खर्च करता है कि राहुल गांधी के एक एक ट्वीट के ऊपर करोड़ों करोड़ों गालियां बकवाता है, तो वो राहुल गांधी किस बात के लिए गाली खा रहा है ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। वो राहुल गांधी इस बात के लिए गाली खा रहा है कि अगर आज मुल्क हिंदुस्तान में आरएसएस से दमदार कोई लड़ रहा है ताकत से तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बाकी कोई नहीं है। सबकी सौदेबाजियां हैं, मुल्क की कोई तंजीम आज भारतीय जनता पार्टी पे आंख उठाकर नहीं लड़ रही। अगर लड़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है जो आंख में आंख डाल के लड़ रहा है। हर एक मुद्दे पर आप उठाकर देख लो, जिसने सौदेबाजी नहीं करी तो वो राहुल गांधी ने नहीं करी। यदि मैं 200 के गांव में किसी में जाऊं, यार 200 की ध्वनि आपस में क्या हो रही है, 200 जब चिल्ला रहे 200 जब चिल्ला के आपस में वो ध्वनि खत्म होती है। मान लो कि सिर्फ क्या है, मैं इसके लिए सबसे कहूँगा एक बार इस मंदिर और आपकी एकता के लिए ताली बजाएं। अब जो उनका क्या कसूर है, उनकी तो सरकार है कि नहीं, कौन है मुख्यमंत्री, आप सब देख रहे हैं किस तरह का मिल रहा है। ये कोई छतरपुर पन्ना जतारा दतिया यहाँ से बुलाई भीड़ नहीं है, ये मेरे पूजनीय पिताजी ने जो प्रेम जनता का कमाया है वो आज सामने दिख रहा है और मेरे क्षेत्रीय परिवार आज पूरी तरीके से अपने बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ आया हुआ है। अभी ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि सातवीं बार उनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर 15 वर्ष पहले और 1.5 साल अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे काम किया होता तो उनको गली गली चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसके बाद इस चुनाव के बाद जैसे अभी आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे आते रहे, जिससे यहाँ पे कुछ तो काम कर सके। आज ही हमारे विधानसभा क्षेत्र के दरगाहें में खाद के लिए हमारा किसान परेशान हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चुनाव की चिंता है, एक क्षेत्र के बेटे को हराने की चिंता है, लेकिन ये चिंता नहीं कि हमारा अन्नदाता किसान जिसको खाद उपलब्ध नहीं हो रही और वो मर रहा है वहाँ दरगाह में, लगातार फोन आ रहे हो कोई सुनवाई नहीं हो रही।